नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे विपक्ष की उम्मीदों पर। विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार अल्पमत में है, साथ ही विपक्ष को उम्मीद है कि मोदी सरकार किसी भी वक्त गिर जाएगी। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि एनडीए में असंतोष है और एक छोटी सी गलती से सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने मोदी सरकार के अल्पमत में होने की बात कही थी और राहुल के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन को मौके का इंतजार। राहुल के दावों पर बीजेपी कह रही है वो दिन में सपने देख रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की उम्मीदों की वजह क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। 293 सीटों वाली एनडीए सरकार को विपक्ष अल्पमत की सरकार बता रहा है। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने दावा किया और फिर एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वही दोहराया। संख्या इतनी कम है कि वो बहुत कमजोर है और छोटी सी गड़बड़ी भी सरकार को गिरा सकती है। मोदी खेमे में बहुत असंतोष है और उनके भीतर से कुछ लोग हमारे संपर्क में है। दिस नॉट गोइंग टू बी अ स्टेबल गवर्नमेंट, एवरीबॉडी नो दैट। दैट्स व्हाई वी आर वेरी मच विजिलेंट ऑन 24/7 अबाउट द पीपल्स इश्यू व्हिच ही हैव रेज्ड इन द पब्लिक डोमेन। राहुल गांधी की बात का समर्थन उद्धव ठाकरे गुट ने भी किया। संजय राउत बोले, हम सरकार गिराने का मौका देख रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, हम चुप बैठे नहीं है, जब भी हमें मौका मिले सरकार को गिरा देंगे। अब वो सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं और 5 साल सरकार बहुत स्मूथली चलेगी। दरअसल इंडिया गठबंधन ने जेडीयू और टीडीपी पर नजरें टिका रखी है। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद हैं। अगर दोनों पार्टियों ने एनडीए का साथ छोड़ा तो एनडीए के सांसदों की संख्या 265 हो जाएगी, जो बहुमत से 7 कम है। और अगर दोनों पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का हाथ थामा तो विपक्षी गठबंधन 263 पर पहुंच जाएगा, जो बहुमत से 9 कम है। लोकसभा में दोनों गठबंधनों के अलावा 14 और सांसद हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और ये जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कितने दिन, कितने पल, कितने घंटे चलेगी। मुंगेरी लाल का हसीन सपना राहुल गांधी जी दिन के उजाले में ले रहे हैं और ये बयान उनका 2014 से चल रहा है, तो ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो पिछले 10 साल नहीं पूरा हुआ, आगे भी पूरा होने वाला नहीं है। ये ठीक है कि सियासत में कब क्या हो कोई नहीं जानता, शायद इसलिए ये कहना मुश्किल है कि सरकार गिरेगी या इंडिया गठबंधन टूटेगा। आज तक विरोध हल्ला बोल में इसी सवाल के साथ हम शुरुआत करते हैं। अपने मेहमानों से आपका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, सुशील व्यास प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, अभिषेक झा प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी और साथ में कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि यह मामला कांग्रेस की तरफ से ही उठा, राहुल गांधी की तरफ से गड़बड़ी की बात की गई। अब यह गड़बड़ी की जाएगी या होगी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता जी, एक बात तो क्लियर है कि ये जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, इसके अंदर खुलेआम नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को ठुकराया है, इनकी जो नफरत की राजनीति थी या विभाजनकारी राजनीति थी उसको भी ठुकराया है। और अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2019 के मुकाबले में इनके तकरीबन आंकड़े 63 कम आए हैं और मेरे ख्याल से अगर इनका जो टारगेट था 370 का उसको देखें तो 130 सीटें इनकी कम आई है। ये सरकार जो है ये बैसाखी वाली सरकार है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जो प्रधानमंत्री मुजरा करवाने की बात कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान
अनुप्रिया पटेल, कुमारस्वामी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। ये तो वस्तु स्थिति है। और आने वाले समय के अंदर जब आप देख भी रहे हैं कि एक स्पीकर का निर्णय ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर तो और बड़े निर्णय हैं। वहां पर आंध्रा के अंदर टीडीपी ने वादा किया हुआ जनता को, मुसलमानों के आरक्षण का वादा किया हुआ है, विशेष राज्य के दर्जे का वादा किया हुआ है, बिहार के अंदर विशेष राज्य का दर्जा उनको चाहिए, या फिर अनेक सारे मुद्दे जहां पर इन सारे दलों की आपस में विचारधारा जो है वो मेल नहीं खाती है, चाहे वो यूसीसी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो। बीजेपी को जातिगत जनगणना से थोड़ा परहेज है और वहां पर नीतीश कुमार करा चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो इन तमाम सारे विषयों को देखते हुए निश्चित रूप से ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो सकता है, इन्हीं के अंदर विवाद हो सकता है। और वो विवाद तो अभी से शुरू हो गया ना, आप तो देख ही रहे हैं, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस ने अजीत पवार को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया, अजीत पवार के नेता छगन भुजबल ने कह दिया कि 400 पार की वजह से हम हारे हैं। उसी तरह से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस पूरे एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ है। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की राजनीति है या बलि का बकरा बनाने की राजनीति पहले दिन से चल रही है, जिस तरह से आरएसएस ने भी भारतीय जनता पार्टी की खामियां निकाली हैं, कमजोरियां निकाली हैं और शरेआम कहा है उन्होंने, तो इससे दिखता है कि अंदर ही अंदर बहुत ही पशुपेश चल रहा है। और इस पशुपेश को चलते चलते जहां पर नंबर्स कम है, निश्चित रूप से हो सकता है कि ये सरकार गिर सकती है और कुछ लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने ये चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा है। हमने चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा, ये चुनाव 2024 का मोदी वर्सेस मुद्दा था। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मुद्दे थे। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, किसानों की समस्या का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा था, अग्निवीर मुद्दा था, जातिगत जनगणना थी, हमारे संविधान की रक्षा करना या फिर आरक्षण को संरक्षण देना, ये तमाम सारे मुद्दे थे। तो सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि उनको उनकी तरफ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप लोगों के भीतर ही भीतर वो खटपट शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी। देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं सारे देश को बधाई देना चाहूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा में विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की है। ये वही विश्वविद्यालय है जो विश्व में भारत के ज्ञान का केंद्र था और संभवतः भारत का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, और जिसको किस प्रकार से बर्बर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, जलाया था, जिसका कि उल्लेख बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया हुआ है, उसकी पुनर्स्थापना की बधाई। और चरण सिंह सापरा जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, 54 साल के हो गए वो युवा नेता, 55वें में प्रवेश किए हैं, तो मुझे लगता है अब बचपने की बातें कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को इस विषय पे कहने से बचना चाहिए। या हमारे बारे में कह रहे हैं, महोदय आपका तो गड़बड़ झाला सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने आज कितने दिन हुए? 15 दिन हुए, यानी एक हिंदी में कहावत होती जुम्मे जुम्मे 4 दिन, तो चार नहीं 2 जुम्मे गुजरे हैं और क्या स्थिति आई? आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया और अब बाकायदा कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में। फिर भी इंडी गठबंधन की संख्या में पंजाब की सारी सीटें जोड़ी हुई हैं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। महोदय गड़बड़ झाला तो ये है, ये तो अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। अब एक और बात आई है, अभी राहुल गांधी जी ने वायनाड से जब लड़ने की बात कही तो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा का ऑफिशियल बयान आया है कि मुस्लिम लीग से तो बात की, मुस्लिम लीग ने कहा भी कहा मुझसे बात किया उन्होंने लड़ने के लिए, मगर कम्युनिस्ट पार्टी से बात नहीं की। अब तो ये बात बहुत साफ है, अगर राहुल गांधी के पास 2 सीटें आ गई थी तो ये कह सकते थे एक सीट मैं अपने इंडी गठबंधन सहयोगी को देता हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने आरोप भी लगाया था कि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं हमारे गठ, मगर अब देखिए ये अपने इंडी गठबंधन के खिलाफ ही लड़ेंगे और सीट परिवार को देंगे। सापरा साहब, ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। इसी चक्कर में तो मैंने कहा ना कि आप लोग जिस तरीके से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं वो हकीकत में आप उस चीज को देख ही नहीं पाते हैं कि क्या परिस्थिति आ गई है।
इसलिए मैं सिर्फ एक बात और कह दूं, और एक और बात समझिए, अभी गड़बड़ झाला बहुत सारा आने वाला है। राहुल गांधी जी ने रायबरेली को रखने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि 3,90,000 से जीते रायबरेली से और अखिलेश यादव जी जीते 1,72,000 से, इसका मतलब कांग्रेस का तो कोई वोट सपा को मिला नहीं, सपा का पूरा वोट कांग्रेस को मिल गया। अब पता नहीं सपा इस पे क्या सोचेगी, इसलिए वो गारंटी वायनाड में ही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग पे भरोसा था, समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं था। इसलिए जो आप हमसे कह रहे, हमारा तो बहुत स्पष्ट, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, सारे गठबंधन सहयोगी यथावत बात कर रहे हैं। और जिन दो गठबंधन सहयोगी की आप बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी 1995 से आज 2024 में बैठे, 29 साल में 26 साल हमारे साथ रहे, डेढ़ डेढ़ साल के दो स्पैन छोड़कर। अब आइए चंद्रबाबू नायडू जी, एनडीए की 3 सरकारें रही, मोदी जी की 2 और अटल जी की 1, इनमें से 2 सरकारों में हमारे सहयोगी रहे और पिछली सरकार में उनके सांसद ही उतने नहीं थे, तो दोनों के साथ हमारा बहुत व्यवस्थित और समन्वय के साथ चल रहा है। और आश्वस्त रहिए, मोदी जी ने भिन्न भिन्न चुनौतियों में बहुत कुशलता के साथ करके दिखाया, इसमें भी दिखाएंगे। तो जो कुछ आप कह रहे हैं वो जिसे कहते हैं ना, साझे की हंडिया चौराहे फूटती है, तो फूटती हुई आपकी दिखाई पड़ रही। और आज ही बताइए, कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हरियाणा में, जबकि आप 5 सीटें जीत के आए, उसके बावजूद किरण चौधरी जी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई, तो बजाय दूसरों को दोष देने के खुद अपने देखने की जरूरत है। और एक और बात कह दूं, अभी आपने ये बात कही जातिगत जनगणना की बात, तो अब तो चुनाव समाप्त हो गए ना, करवाइए जातिगत जनगणना, काहे नहीं सर्वे। जब आप कहते हैं बिहार का क्रेडिट तो आप लेते हैं, जब राहुल जी कहते हैं देखो भैया मैंने कहा कि आपको करवाना तो पड़ेगा, जबकि वो सर्वे था, जातिगत जनगणना नहीं थी, तो सर्वे करवाइए हिमाचल में, कौन रोक रहा, पंजाब में करवाइए, बंगाल में करवाइए। जी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अभी। देखिए श्वेता जी, मैं इनकी इनकी सारी बातों का मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का अहंकार नहीं गया है, जबकि खुलेआम उन्होंने देख लिया है, सारे देश की जनता ने दिखाया है कि इनके बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो हैं, या परमात्मा के दूत जो हैं, या अविनाशी जो हैं, उनके जो नेता लोग हैं वो खुद ही हार गए, अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, नासिक में हार गए, यानी भगवान राम की तीनों भूमि पर इनके प्रतिनिधि हार गए हैं। फिर भी देखिए इनका अहंकार कहां पर चरम पर पहुंचा हुआ है। और जिस नीतीश कुमार की ये बात कर रहे हैं या चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं के साथ तो थे, फिर छोड़ के क्यों गए? भाई ये भी तो सच है ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही कहा था कि हमारे की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां एक दिन खत्म हो जाएंगी, यानी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। और इसी नीतीश कुमार के जब तब अध्यक्ष थे ललन सिंह, आज मंत्री हैं केंद्र के, वो ललन सिंह ने सरेआम कहा था कि अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सापरा जी विस्तार से आपका आगे काउंटर हम लेंगे, लेकिन एक बार हम एक बार सारे पैनल को एक बार जोड़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये जो सीधा सीधी बात आप कह रहे हैं वो जेडीयू से जुड़ जाती है। और अभिषेक जी हमारे साथ इस समय जेडीयू प्रवक्ता के तौर पर यहां पर हैं। अभिषेक जी समझाइए, जो जिसके साथ सबसे लंबे समय तक रहे वो दावा सुधांशु जी कर रहे हैं, चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि आखिर तो छोड़कर गए थे आपको, ललन सिंह के दिए हुए बयान, नीतीश कुमार के दिए हुए बयान, ये आज अगर दिए जाते हैं और उसके आधार पर ये कहा जाता है कि ये गठबंधन चलेगा ही नहीं, सरकार ही नहीं चलेगी, तो क्या कहेंगे? ये देवास स्वप्न देखने की आदत हो गई है राहुल जी को, इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को। अगर हिस्ट्री में जाए, बहुत सारे मामले हैं, लालू यादव जी किस पार्टी के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए, किस पार्टी का समर्थन लिया 1990 में, सबको मालूम है, भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, और कांग्रेस की सरकार जब थी तब उन पर कितने संगीन आरोप लग रहे थे, किस तरह से सलाखों के पीछे जाना पड़ा, यह भी सबके सामने है। जब कांग्रेस पार्टी से गलबहियां कर सकते हैं, अपनी विचारधारा के खिलाफ जा सकते हैं, इन्हें यह सब बोलने का कोई अधिकार नहीं। ये बात सत्य है कि बहुत लंबे समय तक भाजपा के साथ हमारा गठबंधन रहा है, एक स्वाभाविक गठबंधन रहा है, जिसको बिहार की जनता ने, देश की जनता ने हमेशा पसंद किया है। और आपने देखा है कि जब भी हमने साथ चुनाव लड़ा है, जनता का मैंडेट हमको मिला ही मिला है। अब राहुल जी ये बातें क्यों कर रहे हैं श्वेता जी, समझने की जरूरत है। राहुल जी या उनकी पार्टी के लोग पहले कह रहे थे कि सरकार उनकी बनेगी, फिर देखा कि बहुमत नहीं मिला, उसके बाद कहने लगे कि अब तो नीतीश जी नायडू जी का समर्थन नहीं मिल पाएगा, अलग हो जाएंगे, समर्थन भी मिल गया, उसके बाद कह रहे थे कि मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ी दिक्कत होगी, समस्या होगी, वह भी हो गया, अब स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि विपक्ष पे हम हैं लेकिन दल हमारे संपर्क में है।
ये सिर्फ इसलिए कहते हैं राहुल जी ताकि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखें, क्योंकि आपने देखा है एक लंबी फहरिस्त रही है, चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोग निकल निकल कर इस तरफ आए हैं, और अब भी मैं दावे के साथ कहता हूं ना सिर्फ बिहार में अपितु पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हो महागठबंधन के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं जो आने को व्याकुल हैं। इस बात का फीडबैक राहुल जी के पास भी बखूबी है और वो चिंतित हैं इस बात को लेकर, इसलिए सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी सरकार बनने वाली है। दिवा स्वप्न देखिए उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप खुशफहमी में रह सकते हैं लेकिन आपकी गलतफहमी को हम दूर कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज भी एनडीए को देश की जनता ने अपना पूर्ण मैंडेट दिया है, एक मजबूत सशक्त सरकार बनेगी बनी है माफ कीजिएगा, और आने वाले समय में एक स्पीकर भी चुनकर एनडीए के आएंगे और बहुत बखूबी ये सरकार चलेगी, क्योंकि हमारी सरकार का जो एजेंडा है श्वेता जी वो विकास है। हमारी सरकार का एजेंडा धर्म के नाम पर जाति के नाम पर बांटकर राजनीति करना यह कतई नहीं है, और ये बातें हमने शुरू से कही है। कुछ प्रदेशों में सीटें कम आई हैं, इसका विश्लेषण हो रहा है, लेकिन ये लोग तो इस तरह से खुश हैं। सोचिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, अभी तक 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। राहुल जी का नेतृत्व तो इतना सशक्त है कि अपनी पार्टी को 99 तक लाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन दावे कर रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। असल में मसला ये है, कुछ सीटें बढ़ गई हैं, विपक्ष के नेता की कुर्सी हासिल हो गई है, इसलिए उत्साहित हैं। मैं तो वही कहूंगा कि देश की जनता ने ठाना है राहुल जी को नेता विपक्ष ही बनाना है, और नेता विपक्ष चूंकि राहुल जी बन रहा है, आज उनका जन्मदिन है, पूरी शुभकामनाएं उनको देते हैं, उस पद को वो आगे सुशोभित करें इस बात की हमारी इच्छा है, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए इस बात की हमारी अपेक्षा है। आरजेडी की तरफ से तो पहले ही दिन ये दावा कर दिया गया था, चाहे मीसा भारती हो चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, सबकी तरफ से कहा गया, और अचानक थोड़ा सा नीतीश जी को लेकर सॉफ्ट भी नजर आने लगे, तो उम्मीदें तो आरजेडी की तरफ से भी बहुत बढ़ाई गई थी कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि सहयोगी टूट कर आए। आप लोग अभी भी आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर, या अभिषेक झा जो कह रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ पार्टनर्स उनके संपर्क में हैं, कार्यकर्ता नेता सब? देखिए श्रद्धा जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब देना चाहूंगी, क्रेडिट लेने के इतने माहिर हो गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेडिट ले डाले, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी 2006 में की थी अब्दुल कलाम जी ने, उन्होंने इस पर विचार रखा था, और 2010 में प्रॉपर संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार में प्रॉपर उसको बजट मिला हुआ था। तो ये आप मत भूलिए, क्रेडिट लेना आपको लीजिए, लेकिन आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि जिस एरोगेंस में, जिस एटीट्यूड के साथ आप लोग पिछले दो बार 2014 और 2019 में सरकार चला रहे थे, उसी को तोड़ने के लिए जनता ने यह जनादेश दिया है कि थोड़ा सा एरोगेंस आपका टूटे और रेस्पॉन्सिबल सरकार इस देश में बने। रेस्पॉन्सिबल सरकार बनाने के लिए जनता ने जो जनादेश दिया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेल दुर्घटना हो गया कहां पर, अरे जो सेफ्टी कवच की बात करते थे लाइए ना, दिखाइए और सेफ्टी कवच कहां से काम किया। लेकिन सबसे शर्मनाक बयान, और थिथरी मैं कहूंगी इसको एक आम भाषा में, कि शिक्षा मंत्री देश के किए कि नीट का पेपर लीक हो गया, 24 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है, उनके पेरेंट के जीवन का सवाल है जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत ही बेशर्मी और थिथरी से आकर शिक्षा मंत्री जी कहकर चले जाते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और सेम टाइम यहाँ पर तो अभिषेक जी बैठे हुए, सेम टाइम पटना में 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए कि पेपर लीक वहां पर पाया गया। उन्होंने बकायदा बताया कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्या लीक हुआ। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने आपके चैनल पे ही देखा, अभी जदयू के प्रवक्ता जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उसमें एक यादव पाया गया, तो यादव पाया गया तो उन्होंने ऐसे ऐसे लिंक ढूंढकर वो सीधे तेजस्वी यादव तक पहुंच गए। मैं तो शुक्र मना रही हूं कि ये भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो भी हमारे होंगे, हम उनके ही वंशज हैं। और ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक यादव पाया गया तो समाजवादी पार्टी से लिंक कर दिए गए। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेते, कहां से कौन सी जाति कौन सा धर्म मिल जाए कि हम कौन से पार्टी से जोड़ दें, तो ये इनका है। लेकिन जहां तक मेरा ये अनुमान है, और खुद जानते हैं कि यही नीतीश जी ही मांगे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं 10 साल से, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और जनता वहां पर देखेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अररिया में पुल गिरा, करप्शन से लिप्त, करप्शन ध्वस्त हो गया पानी में, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ। यहाँ से नितिन गडकरी जी बैठकर उनके ऑफिस से एक ट्वीट आता है कि हम उस पर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, स्टेट का देख ली, ऐसा लगता है जैसे स्टेट
आरजेडी की सरकार वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सरकार में है आप लोग, अगर नहीं लेंगे तो। और प्री पोल अलायंस की बात करते हैं अभिषेक जी, अभिषेक जी आपको याद है 2015 में आप हमारे ही साथ लड़े थे लेकिन छोड़कर चले गए, 2020 में आप उनके साथ लड़े लेकिन छोड़कर आप चले आए, तो प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, कौन सा अलायंस आपके लिए कुछ मैटर करता है या नहीं करता? अगले दिन सुबह नीतीश कुमार, चुनाव से पहले अलायंस हो या बाद में अलायंस हो उसका फर्क नहीं पड़ता ये कह रही है। लेकिन अभिषेक झा जी आपको जवाब देना है मैं जानती हूं, लेकिन मैं जल्दी से बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी जोड़ लेना चाहती हूं। आनंद दुबे जी, जो बातें कही जा रही हैं और उसके बीच संजय राउत ने जो खासकर अपनी तरफ से बयान दे दिया वो बिल्कुल खुलकर कह दिया, मतलब राहुल गांधी ने तो केवल गड़बड़ी की बात की थी पर संजय राउत की तरफ से तो सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हो ही रहा है, कैसे हो रहा है? आनंद जी, श्वेता जी नमस्ते। सबसे पहले तो आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, हमारी पार्टी को 58 साल हो गए, इसके लिए आप सबकी शुभकामना चाहता हूं। देखिए, हम न किसी पार्टी को तोड़ते हैं, न सरकार बिगाड़ते और न तो गिराते हैं। राजनीति में सपनों का कोई आधार नहीं होता, सपनों की कोई सरोकार भी नहीं होती, यहाँ अपनों का सरोकार होता है। आज जो वहां अपने बैठे हैं कल हमारे भी अपने हो सकते हैं, राजनीति में तो नजर बनाकर रखा जाता है श्वेता जी। और जिस प्रकार एक अकेला सब पर भारी मोदी जी कहते आए हैं, इन 10 वर्षों में हमने उनको देखा है कि अब की बार मोदी सरकार, लग रहा है कि 2024 में जो एनडीए की सरकार बनी है, भाजपा पार्टी को भले होगी गठबंधन की सरकार चलाने की आदत, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने की आदत नहीं है। इसलिए हमारे नेता ये संशय पैदा कर रहे हैं या एक आधार बना के कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि यह सरकार ज्यादा दिन न चले, क्योंकि जो व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठे हैं उनको गठबंधन सरकार चलाने की कोई आदत नहीं है और न तो वो चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, अगर दोनों जन के पास 28 की संख्या है और दोनों जन किसी न किसी दिन नाराज हो जाते हैं, सरकार से बाहर चले जाते हैं, तब तो फिर एक संभावना बनती है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो उनसे बातचीत करें। यही तो राजनीति है, राजनीति में संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। ये थोड़ी है कि किसी के जाकर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया जाए। हम लोग नहीं करते श्वेता जी ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस तो सुधांशु जी की पार्टी की महारत हासिल है। हमारे यहां देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं हम तो भेष बदल बदल कर रातों रात निकल जाते हैं लोगों की पार्टियां तोड़ने, सरकार गिराने बिगाड़ने। तो हम सिर्फ एक नजर बनाकर रखे हैं। हमारे नेता संजय राउत जी कह रहे हैं कि यह सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है, क्योंकि इस सरकार के मुखिया को गठबंधन का धर्म निभाना नहीं आता, नाम का एनडीए है, लेकिन जो कुछ हूं मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं मोदी जी हूं या मैं जो भी कहो, सिर्फ एक व्यक्ति है। तो अगर एक व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो वो सामूहिक सोच का हिस्सा हो ही नहीं सकता, वो सबको साथ लेकर चल ही नहीं सकता। इसीलिए इनका नारा सबका साथ सबका विकास फेल हो गया, धराशायी हो गया। इसलिए हमारे नेता संजय राउत जी, राहुल गांधी जी या और भी विपक्ष के नेता केवल नजर बनाए हुए हैं श्वेता जी, कोई तोड़ फोड़ कोई और, इनका बुरा हम नहीं सोचते। ये सरकार जितना दिन चलाना है चलाइए, लेकिन वहां सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीति में हमेशा एक विपक्ष के पास ये भूमिका हमेशा रहती है, एक रोल रहता है कि आप गतिविधियों पर नजर बनाए रखो। तो हम भी एक नजर बनाए हुए हैं, जब होगा जैसे होगा ये नीतीश बाबू और चंद्र बाबू जी के हाथ में है, क्योंकि वही दो बड़े घटक दल इस सरकार में बैठे हैं। हम तब तक का इंतजार करेंगे जब तक वो दोनों जन हमसे संपर्क न करें या इनसे नाराज होकर हमारे साथ नहीं आए। उसके पहले तो ये सरकार, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं इंडिया गठबंधन के लोग, ये जीवन में नहीं गिराएंगे, क्योंकि हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन ऐसा कभी रहा नहीं है, ये बीजेपी का रहा है। बीजेपी को मुबारक हो श्वेता जी। आनंद जी, आपने इतनी बार नजर बनाए हुए हैं कह दिया है कि मुझे लग रहा है कि सुशील जी आप इसको बार बार सुन रहे होंगे, और इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव होने हैं, नजर बनाए हुए हैं। वो सब ठीक है ना आपके गठबंधन में? वहां पर अभी पता चला कि वहां पर एक नई महाभारत शुरू हो गई, वहां पर भी अभी सीटों का बंटवारा होना है, कौन लड़ेगा, क्या करेगा, कैसे होगा। एक बार तो हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ने कुर्सी छोड़ी और शिंदे जी बने मुख्यमंत्री। श्वेता जी, आनंद जी क्या कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन जहां तक हमारा एनडीए गठबंधन है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और आगे का विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में भी हम उसी तरह से एकता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे और विपक्ष और बहुमत के साथ आएंगे। अब मैं शुरुआत में भाई चरण सिंह जी कुछ कह रहे थे और
आपने पहले क्लिप में दिखाया, उनके नेता खड़गे जी भी कुछ कह रहे थे कि ये अल्पमत की सरकार है। मैं थोड़ा सा, मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है अल्पमत कहने से, जो राहुल गांधी जी और खड़गे जी पूरे चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर के देश को दिखा रहे थे कि ये असुरक्षित है, इसको बदल दिया जाएगा, इसकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं भाई चरण सिंह जी से पूछना चाहता हूं, उस संविधान के अनुसार 543 के चुनाव में अगर कोई गठबंधन प्री पोल अलायंस में 293 सीट लाता है तो वो किस गणित से अल्पमत में आया, पहले वो तो आपके नेता तय कर लें, क्योंकि 273 से निश्चित रूप से 293 ज्यादा है। तो बार बार अल्पमत कहकर के भ्रम फैलाना, जैसे पूरे चुनाव में आपने संविधान के रक्षा को लेकर के भ्रम फैलाया, उसी तरह से ये अल्पमत 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 किसको कहते हैं? 273 से कम होकर के अगर राष्ट्रपति हमको शपथ विधि करवा देते तो आप कहते अल्पमत, 293 पे कैसे अल्पमत हो गया? कौन सा गणित आपका है जो आप हमको अल्पमत में कह रहे हैं? दूसरी चीज, आप हमारा तो प्री पोल अलायंस मजबूती के साथ है सारे दलों का, जो तो 293 है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जनता के, देश के 140 करोड़ जनता के दरबार में गए, उनसे उनका विश्वास लेकर आए। आपका जो 235 का आंकड़ा है, आप बताइए बंगाल में, केरला में, पंजाब में, क्या आपका प्री पोल अलायंस था? आप कैसे 235 को आप कह सकते हो कि आपकी आप इकट्ठा हो? जैसे अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि दो दिन से दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस और आप में आपाधापी मची हुई है, आपस में एक दूसरे का विरोध मचा हुआ, तो किस तरह से आपका गठबंधन? आप आशा मत करिए कि हमारे में कुछ बिखराव होने वाला, जिस मजबूती के साथ, जिस जैसे हमारे नेता सिंधे जी हमेशा कहते हैं कि हमारा गठबंधन जो है वो ये फेविकॉल के जोड़ जैसा है, जिसको जोड़ना तो आता है लेकिन टूटना नहीं आता है, ये हम बड़ी मजबूती के साथ आगे भी देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। तो आप बिल्कुल सपने में मत रहिए कि एनडीए में कहीं बिखराव आने वाला है, हम बड़ी मजबूती से देश की सरकार चलाएंगे, देश की सेवा करेंगे और जो भी विकास के कार्य पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में है उसी गति से आगे हम बढ़ाते रहेंगे। चलिए, सब कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन सुधांशु जी ये बार बार अहंकार की बात क्यों घूम फिर कर आ जाती है, चाहे वो आरएसएस की तरफ से की हुई टिप्पणी हो या आपके विरोधियों की तरफ से की हुई टिप्पणी हो, चाहे घुमा फुरा कर कही हुई बात हो या सीधे सीधे आरोप लगाकर कही बात हो, और यही आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो अहंकार है उस वजह से सहयोगी छोड़ेंगे, क्या ये आपको परसेप्शन मैनेजमेंट ही लगता है या फिर आप इसकी हकीकत को स्वीकारते हैं? देखिए, अहंकार के विषय की जो बात, जैसे अभी सापरा जी कह रहे थे रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये जानते किस पे लागू होता है? इनकी 99 सीटें आई, जिनकी पिछले 3 से मिलाकर कुल उतनी सीटें नहीं आई जितनी की हमारी इस बार आई हुई है, जितनी की 1984 के बाद से 40 सालों में कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली। नरसिम्हा राव के समय में 232 जीत के आए थे, बाद में बाई इलेक्शन होते हुए वो 240 तक पहुंचे थे। वो देखिए कैसे हड़का रहे हैं, इसे कहते रस्सी जल गई बल नहीं गया। कंचना जी की पार्टी को 4-5 सीटें मिली, 10% सीटें नहीं जीत पाए, वो हमको कैसे धमका रहे हैं, इसे कहते अहंकार, इसे कहते रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। परंतु उसके बावजूद अभी हमारे जो आनंद दुबे जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा हम तोड़ते फोड़ते नहीं है, और नजर नजर की बड़ी बात कही, बड़ी ललचाई नजरों से देख रहे हैं, परंतु ये समझ लीजिए उनकी नजरों को वो नजारा देखने को नहीं मिलेगा जो हसरत उनके दिल में है। आनंद जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने बहुत चीजें तोड़ी थी, मुंबई में कट्टरपंथियों का गुरूर तोड़ा था, ये वो पार्टी है जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी उस दिन हमारे लोग डिफेंसिव में थे और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। ये वो थे 93 के दंगों के बाद, उनका वीडियो अवेलेबल है, उनसे पूछा गया कि शिवसेना का हाथ है तो उनका हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग वही वाली भाषा समझते हैं, मगर जिन इलाकों में बाला साहब ठाकरे की नजर देखकर लोगों की नजरें झुक जाया करती थी उन इलाकों में नजर झुकाकर वोट मांगने की हसरत दिल में रखते हैं। कितना नजर में बदलाव आ गया है, कितना नजारे में बदलाव आ गया है, ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं जो बात अभी व्यास जी ने कही, मेरे भाई ये तो बता तो दीजिए, आप 60 सीटों जीते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़के, बंगाल में इंडी गठबंधन नहीं था, 42 सीटें बंगाल की, 13 सीटें पंजाब की, 55 और 20 सीटें केरल की, 75 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़के 60-65 सीटें जीत के आए हैं और सबको 232 में पॉइंट काउंट करके रखे हुए हैं। जैसे हमारा गठबंधन है, हम जेडीयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी, हम कह रहे हैं हम विधानसभा मिलकर लड़ेंगे। अब ये बता दें क्या कम्युनिस्ट और कांग्रेस केरल का विधानसभा मिलकर लड़ेंगे?
क्या ये बता दें बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जिसकी सीटें अपने में काउंट कर रहे हैं मिलकर लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी ने तो साफ कह दिया कि मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो आपके गठबंधन का यथार्थ, क्योंकि ये केवल सत्ता की नजर से यहां आए थे और अब उस नजर का शिजरा बिखर गया है, इसलिए अब उसे बचाए रखने के लिए राहुल गांधी जी को इस ढंग के बयान देना, खड़गे जी के लिए इस ढंग के बयान देना मजबूरी है, इसके अलावा और कोई इसका आधार नहीं। सापरा जी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं जो सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप वाकई बंगाल में, केरल में, इन सब जगहों पर कह सकते हैं कि जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं सुशील व्यास जी ने और सुधांशु जी ने तकरीबन एक जैसी बातें पूछी है, मैं उसका उत्तर दे दूं। खड़गे साहब जी ने जो हाइपोथेटिकल एक उत्तर दिया है उस पर ये कंफ्यूज ना हो, उनका उत्तर जो था वो हाइपोथेटिकल था कि ये सरकार अल्पमत की है, यानी जिस भारतीय जनता पार्टी को वो 272 सीटें चाहिए थी अकेले, वो अगर 240 पर टिक जाती है तो उसको अल्पमत ही कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने, मुझे खुशी होती अगर सुधांशु जी बात करते कि आरएसएस ने क्यों अजीत पवार, मैंने ये सवाल पूछा था कि अजीत पवार को क्यों आप बलि का बकरा बना रहे हैं या आरएसएस क्यों बलि का बकरा बना रही है। आरएसएस ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत पवार के साथ गठबंधन किया इसलिए हमारी ब्रांड वैल्यू कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। तो क्या ब्रांड वैल्यू कम हुई है? इस पर सुधांशु जी ने उत्तर देना चाहिए। फिर अजीत पवार की पत्नी जब फॉर्म भरने गई सुनेत्रा पवार, तब वहां पर एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रतिनिधि नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं था। उसके दूसरे दिन जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, जो हमारा अधिवेशन आ रहा है राज्य सरकार का, उसकी बीएससी की मीटिंग में अजीत पवार नहीं पहुंचे, बाकी मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे। तो भाई आपके अंदर कहीं ना कहीं पशोपेश तो चल रहा है ना, गड़बड़ झाला हो सकता है ना। वो महाराज से उसकी शुरुआत हो सकती है, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार से हो सकती है, उसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू से भी हो सकती है। तो ये तमाम सारी चीजें, और शिंदे साहब जो खुद कहते हैं, उनके प्रतिनिधि अभी पैनल पर बैठे हैं, वो उत्तर दे दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 400 पार के नारे की वजह से हमारी सीटें कम हुई है या हमें धक्का लगा है। तो क्या ये बात गलत है, या फिर एकनाथ शिंदे ने माफी मांगनी चाहिए, या उनके प्रतिनिधि ने इस चैनल पर माफी मांगनी चाहिए? तो ये तमाम सारी चीजें हम जब देखते हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले उन्होंने कहा हमारे ऊपर जातिवाद का उन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया। अरे भाई ये नारे कौन लगा रहा है? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, शमशान कब्रिस्तान, ये कौन कह रहा है? ये क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं क्या? ये देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे चेले चपाटे, उनके प्रतिनिधि कहते हैं, जिनके साथ आपने सरकार बनाई है। क्या आपको बुलडोजर की राजनीति पसंद आएगी? क्या आप यूसीसी पर उनके साथ में सहमत हैं? क्या अग्निवीर पर, एनआरसी पर आप उनके साथ में सहमत हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जेडीयू के ऊपर भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में ये तमाम सारी परिस्थितियां देखते हुए ये आकलन लगाया जा रहा है। हम आकलन, मैं जो शिवसेना के प्रतिनिधि हैं दुबे जी, उनके साथ सहमत हूं कि हम ऑपरेशन लोटस या कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम नजर बनाए हुए हैं। ठीक है आनंद जी, सुशील जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन सीधा आरोप अभिषेक जी जेडीयू पर है, और क्योंकि कंचना जी ने भी अपनी तरफ से कहा कि केवल इसीलिए क्योंकि एक उपनाम एक आरोपी का अगर रहा तो सीधे तौर पर उसे आरजेडी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ नाम जोड़ दिया उप मुख्यमंत्री ने। तो ये जो जातिवाद के आरोप और ये सारी चीजें कही जा रही है, जी जी बताएं, बिहार उस दौर में नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री आवास से अपराध गवर्न होता हो, ना जंगल राज के उस दौर में है, इसलिए हम किसी के उपनाम के हिसाब से उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। अगर तथ्य मिलेंगे तो कानून के हाथ उनके गिरेबान तक भी जाएंगे जिनके बारे में कंचना जी कल्पना भी नहीं कर सकती है। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी कह रहे थे, मटन मछली की चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी उन लालू प्रसाद यादव जी से सीखने के लिए जिन्हें लालू प्रसाद यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी एक समय राहुल जी को नागवार नहीं गुजरता था। उस वक्त राहुल जी ने मटन की रेसिपी सीखी, वीडियो पोस्ट हुए, खूब खबरें बनी। किन्होंने कहा था तेजस्वी यादव जी को
मंगलवार के दिन मछली खाने का वीडियो पोस्ट करने के लिए, कभी नारंगी का वीडियो पोस्ट करने के लिए, कभी गोलगप्पा चाट का वीडियो पोस्ट करने के लिए। देखिए देश के जो नेता है ना, कहने के लिए युवा नेता है, लेकिन ये लोग अपनी डिस सीरियस पॉलिटिक्स से अपनी इमेज को पहले ही ध्वस्त कर लेते हैं। जो भी मुद्दे ऐसे उठते हैं ये मुद्दे ये लोग खुद ही देते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कंचना जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मैं थोड़ा अतीत में लेकर जाना चाहता हूं श्वेता जी। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनती है, 22 सीटें आरजेडी के लोग जीते थे बिहार से और 2 सीटें जीते थे झारखंड से। 24 सांसदों में 3 इनके केंद्रीय मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री थे, यानी 8 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार को। कहां केंद्र में कभी मांग उठाई क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले? उस वक्त क्या क्या लाए बिहार के लिए बता सकते हैं क्या? कभी नहीं ना। देखिए हम करने में विश्वास रखते हैं, इनकी तरह कहने में विश्वास नहीं रखते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कह देंगे। और इंडिया अलायंस की परिकल्पना नीतीश जी के बिना कहां संभव थी? पटना की वो बैठक नहीं होती तो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ममता जी, केजरीवाल जी या अखिलेश यादव जी कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श भी कर लेंगे। और इंडी का स्वाहा हो चुका है, ये माने या ना माने, सुधांशु जी ने बखूबी बता दिया है साफ साफ, हर प्रदेश की स्थिति बता दी है कि किसी भी प्रदेश में इंडी का स्वरूप चुनाव नहीं लड़ने वाला है। और यहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है राष्ट्रीय जनता दल के साथ? एमएलसी में 5-5 सीटें आती हैं, 1 भी सीट नहीं मिलती है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी बद से बदतर कर दी थी राजद के लोगों ने, वह भी सबको याद है कि बस गिन चुनकर 9 सीटें दे दी कि भैया लेना है लो, मत लेना है मत लो, पहले जो चरण के चुनाव है वो संपन्न हो जाएंगे तब सीटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे भक्त चरण दास, उनके विषय में राहुल जी की टिप्पणी, यह भी कोई नहीं भूला है। तो इंडी का स्वाहा तो पहले ही हो चुका है, ये कहां हमने सेनेमारी करने वाले हैं, ये अपने कुनबे को बचा ले, इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। बिहार में तो यह न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे, हमारी सीटें कम हुई है लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा। नहीं अभी बोल रहे थे कि हम जाति पाती ये सारी बातें, देवेश चंद ठाकुर आप ही के सांसद हैं क्या जिन्होंने बोला है कि कुर्मी कुशवाहा यादव और मुसलमान जो जो उनको वोट नहीं दिए हैं वो उनका काम नहीं करेंगे? ये जाति पाती रिलीजन नहीं मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ, आप खुद ही उठाकर देख लीजिए, मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। सार्वजनिक कामों में अंतर है। नहीं कंचना जी अभी का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, अभिषेक जी आपने अपनी बात रखी है जी, जवाब दे देने दीजिए। पलटने की आदत है आपके नेता को, इतने पलटने की आदत है कि आप अपने सांसद के पलटने की बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे उन्होंने बोला है, सार्वजनिक रूप से बोला है, हर टेलीविजन ने दिखाया है कि यादव और मुसलमान और जो कुछ वहां है उनका काम नहीं करेंगे। और बेगूसराय में जो पाकिस्तान पे पीएचडी करके सांसद महोदय बैठे हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्योंकि हमें मुसलमान वोट नहीं देते इसलिए हम उनका काम नहीं करेंगे। ये तो जाति पाति धर्म के आधार पर बांटने वाले ये हैं। और आप ही बता दीजिए, ठीक है हमने 2004 में हमारे पास 22 सीटें थी, फिर 9 में हमारे पास 4 सीटें हुई, लेकिन हमारे पास बड़ा मंत्रालय मिला था। अरे आपके पास क्या इतनी शक्ति है कि आप बार्गेनिंग भी कर सको सत्ता से, केंद्र से बार्गेनिंग कर सको? हम मंत्रालय को बड़ा नहीं मानते हैं, ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स आपको मुबारक। नहीं बार्गेनिंग पॉलिटिक्स आपका मुबारक, जो थोड़ा सा इधर बार्गेनिंग पॉलिटिक्स आपको मुबारक, इधर से थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं उधर पलट गया। बार्गेनिंग पे हमें जो हमारी पार्टी पार्टी में तो डिफरेंस है, हम देश के लिए काम करते हैं। नहीं मुस्कुराने वाले नीतीश जी, बेवजह नहीं मुस्कुराने वाले नीतीश जी, वो ऐसे ही भाई आईआरसीटीसी घोटाला कर रहा था आपको, बड़ा मंत्रालय मतलब क्या होता है? रेल मंत्रालय आईआरसीटीसी घोटाला, ठीक है ना कंचना जी? दोस्ती दिख रही है, आप लोग कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या। सुशील जी अपनी जी, ठीक है कंचना जी, सुशील जी अपनी बात आप रखिए और उसके साथ ही आनंद जी आप उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। सुशील जी जी, मैं बहुत कड़े शब्दों में भाई चरण सिंह सपरा ने जो कहा उसका खंडन करना चाहता हूं। ये कांग्रेस की आदत हो गई, चुनाव प्रचार के दौरान संविधान खतरे में उस तरह का भ्रमित नारा दिया, उसी तरह से फिर यहाँ एक झूठ फैला रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने एक इस तरह का बयान दिया है कि 400 पार का नारा हमको नुकसान दे गया। सपरा जी अब दिल पे हाथ रख के कहिए क्या उनके शब्द ये थे? उन्होंने कहा, खुलेआम उन्होंने कहा, सपरा जी मैं आपके बीच में, आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अखबार ने आपके बीच में नहीं बोला, ना मैं ये नहीं चलने दूंगा। सपरा जी आपकी सपरा जी आपके ही आरोप को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो, सपरा जी आप ही के आरोप को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुन तो लीजिए जवाब। जनता ने आपको इतना दे दिया है, आप थोड़ा सा संभल जाइए। एकनाथ शिंदे जी ने कहा 400 पार का नारा देकर भ्रमित किया है विपक्ष के लोगों ने जनता को कि संविधान खतरे में है, और ये जो गलत नैरेटिव फैलाया उसमें जनता भ्रमित के बयान को लिया जा रहा है।
जी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं श्वेता जी इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साथी से, केशवानंद भारती के 13 जजों की जजमेंट के सुप्रीम कोर्ट के 1973 के बाद किसमें ताकत है कि 543 सीट जीतने के बाद भी संसद संविधान के मौलिक भावना को और मौलिक जो प्रावधान है उसको बदल। आनंद जी आप अपनी बात जल्दी से रखिए क्योंकि सबसे ज्यादा कड़ा प्रहार आप पर सुधांशु जी ने ही किया है जी स्थापना दिवस पर, वो भी बताइए। जी 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 श्वेता जी आदरणीय सुधांशु जी कह रहे थे कि यह शिवसेना बहुत बदल गई। महोदय हम बदल तो गए, 58 साल पुरानी पार्टी का एक दिन रातों रात चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले, नाम कोई चुरा ले, उसके बाद भी पूरी सत्ता पूरे धन बल के बाद भी आपको 17 पर लाकर रोक दिया, तो यह बदलाव हमें अच्छा लगा और इस बदलाव से आपको सबक लेना चाहिए। और दूसरी बात, हम नहीं बदले, आप बदले हैं। जब केंद्र में 2002 में आपको याद होगा जब आपकी सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी तो हमारी शिवसेना को लोकसभा का अध्यक्ष का पद मिला, कैबिनेट मंत्री पद हमारे पास होते थे। बदल तो आप गए, आज आपके साथ जो नकली शिवसेना है उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अरे बदल तो आप गए भाई साहब, हम तो कहीं नहीं बदले। इस बदलाव के बाद भी आपके रथ को पूरे देश में अगर पूरी ताकत से किसी ने रोका तो इस असली शिवसेना ने रोका। चलिए ठीक है, समय इतना ही है हमारे पास में विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में अभी एक ब्रेक का वक्त हो चला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।